नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन पे। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रसंघ के भाग तीन है। यदि अभी तक आपने भाग एक और दो नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रसंघ के मुख्य कार्य के बारे में जानेंगे। प्रसंविदा यानी इकरार या शर्त के अनुसार राष्ट्रसंघ के मुख्य कार्य है उसके बारे में आइए अब हम लोग जानते हैं। पॉइंट नंबर एक, प्रशासनिक कार्य। पॉइंट नंबर दो, संरक्षण संबंधी कार्य। पॉइंट नंबर तीन, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करना। पॉइंट नंबर चार, सामाजिक और आर्थिक कार्य। पॉइंट नंबर पाँच, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। दोस्तों, अब हम लोग इसके बारे में पॉइंट बाई पॉइंट करके एक एक करके जानेंगे। पॉइंट नंबर एक, प्रशासनिक कार्य। राष्ट्रसंघ वर्षाय संधि की उपज था, अतः इससे यह आशा किया गया था कि यह शांति संधियों को लागू करने में मदद करेगा। अतः राष्ट्रसंघ पे संधियों को लागू करने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा अपने सदस्य राष्ट्रों की रक्षा करना था तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए सैनिक कार्यवाही का निश्चय करना भी राष्ट्रसंघ का ही कार्य है। पॉइंट नंबर दो, संरक्षण संबंधी कार्य। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शत्रु राष्ट्र से छीने गए प्रदेशों का संरक्षण का कार्य राष्ट्रसंघ को सौंपा गया ताकि उनका विकास हो सके। इसके साथ ही राष्ट्रसंघ ने संरक्षक राष्ट्र को प्रतिवर्ष रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला ताकि उनके स्थिति के बारे में पता चल सके। दोस्तों, जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन प्रदेशों का हालत बहुत ही खराब था, अतः उनमें सुधार करने के लिए राष्ट्रसंघ ने यह योजना बनाई कि उनको संरक्षक राष्ट्र को सौंपा जाए ताकि उनका भी विकास हो सके। इसके साथ ही राष्ट्रसंघ ने नियम बना दी ताकि प्रतिवर्ष वो लोग रिपोर्ट करें और उनकी स्थिति के बारे में पता चल सके। पॉइंट नंबर तीन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में मित्र राष्ट्र के सामने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना एक महत्वपूर्ण समस्या था। उस समय विभिन्न राज्यों में लगभग अल्पसंख्यकों की संख्या 3 करोड़ के आसपास था। इन अल्पसंख्यकों के रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। दोस्तों, अल्पसंख्यक अपने शिकायत का आवेदन पत्र राष्ट्रसंघ को देता था तथा राष्ट्रसंघ उस पर उचित कार्यवाही करता था। पॉइंट नंबर चार, सामाजिक और आर्थिक कार्य। दोस्तों, राष्ट्रसंघ एक राजनीतिक संस्था था परंतु गैर राजनीतिक कार्यों में भी इसका योगदान प्रशंसनीय है। आइए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आर्थिक कार्य। आर्थिक क्षेत्र में इसने विश्व के सभी राष्ट्रों को स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया ताकि युद्ध के बाद में राष्ट्रों का पुनर्निर्माण किया जा सके। दोस्तों, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेजिंग, बुल्गारिया आदि देशों के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में राष्ट्रसंघ का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। शरणार्थियों की समस्या। दोस्तों, महायुद्ध के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की समस्या बढ़ने लगी। इन शरणार्थियों को बसाने में राष्ट्रसंघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, यूनान के लगभग 10 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिए राष्ट्रसंघ ने 5 करोड़ डॉलर की सहायता दी तथा अन्य राष्ट्रों से भी सहायता दिलवाई। स्त्री कल्याण और बाल कल्याण। दोस्तों, उस समय स्त्री और बच्चों का व्यापार किया जाता था, अतः उसने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों से यह अपील किया कि वे स्त्रियों और बच्चों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए प्रयास करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक। दोस्तों, राष्ट्रसंघ ने अफीम और कोकीन जैसे नशीले वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगाने के लिए बहुत ही प्रयास किया। उन्होंने इसका प्रयोग औषधि और वैज्ञानिक प्रयोग तक ही सीमित करने की कोशिश की। इसको रोकने के लिए अनेक नियम बनाया गया जिसे आज हम लोग जिनेवा के नियम से जानते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कार्य। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में राष्ट्रसंघ का बहुत ही बड़ा योगदान है। 1923 में राष्ट्रसंघ ने एक अस्थायी स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया जिसका उद्देश्य संक्रामक रोग को रोकना था, जैसे मलेरिया, कैंसर, कुष्ठ रोग आदि।
दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों आइए अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था संबंधी कार्य के बारे में जानते हैं। राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना था। इसीलिए राष्ट्रसंघ के चार्टर में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। आइए अब हम लोग उसके बारे में पॉइंट के माध्यम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रसंघ के सदस्यों को कुछ कानूनी बाध्यताएँ दी गई ताकि युद्ध बहुत हद तक मर्यादित हो जाए। पॉइंट नंबर 2, यह नियम बनाया गया कि विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से हो। पॉइंट नंबर 3, युद्ध या किसी राज्य द्वारा अपने उत्तरदायित्व को न पूरा करने पर आक्रमणकारी या दोषी राष्ट्रों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध या सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई। पॉइंट नंबर 4, युद्ध को समाप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण की योजना पर बल दिया गया। दोस्तों इसके साथ ही समयानुकूल सुधार की भी अधिकार दिया गया। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।